इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है, नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से ये बड़ा हमला किया गया। रूस ने इंटरसेप्ट की एंटी शिप मिसाइल, 27 ड्रोन और 2 हाइमास हमले नाकाम किए गए। रूस ने एक एंटी रडार मिसाइल भी गिरा दी है इस हमले के जवाब में। हाँ, लेकिन सिर्फ जिस्म पर ही नहीं बल्कि अब रूस यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों के जिगर पर भी प्रहार कर रहा है। रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिकों को मौत से डराया और यूक्रेनी सरकार के खिलाफ भड़काया गया है, अपील सरेंडर करने की है। दूसरी तरफ रूस अपनी जमीन पर हो रहे हमले का बारूदी इंतकाम भी ले रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है। यूक्रेनी फौज के कई ठिकानों को सोमवार को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया। हमला इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 4.5 घंटे में 570 यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हो गई। यूक्रेन पर एक ही दिन में इतना बारूद बरसा कि बरसों तक यूक्रेन की जमीन के कई हिस्सों में कालिख नहीं हटेगी। हर धमाके के बाद इतना मलबा, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी कि यूक्रेन को दोबारा आबाद करने की उम्मीद पर भी अंधेरा छा जाए। सिर्फ जमीन ही नहीं, यूक्रेन में इतने धमाके हुए कि आसमान का रंग भी बदरंग हो गया। जमीन से उठकर आसमान में छाए काले धुएं के बादल जैसे संदेश दे रहे हो कि अब यूक्रेन में बर्फबारी से पहले जोरदार बारिश होगी और बूंदों की जगह बेहिसाब बम बरसेंगे। मॉस्को में ड्रोन हमले के बदले का एक्शन शुरू हो गया है। रूस के शहरों में धमाकों का हिसाब चुकता किया जा रहा है। रूस की सेना यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर बम बरसा रही है। यूक्रेन को एक ही दिन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन पुतिन के इस गुस्से का और बदले का ज़ेलेंस्की पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन के ड्रोन अब भी रूस की सीमा लांघ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़्या के एनहोदर में मौजूद रशियन सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय की इमारत पर हमला किया। ड्रोन धमाके में रूस के कई अफसरों की मौत का दावा है। इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे हमलों का नतीजा है कि सोमवार को यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त अटैक हुआ। सोमवार को रूस ने यूक्रेन में 6 जगहों पर सबसे बड़ा हमला किया। कुपियांस्क में रूस का कब्जा है और यूक्रेनी सैनिक बाहरी इलाकों में मौजूद हैं। यहां रूस के सैनिक टैंक और आर्टिलरी से प्रहार कर रहे हैं। क्रेस्नी लिमन में भी जबरदस्त हमला हुआ। यहां रूस ने अटैक के लिए अपने कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के इस इलाके में कई ड्रोन धमाके भी हुए। डोनेस्क में जबरदस्त जंग चल रही है। यहां यूक्रेनी फौज पर रूस क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर कई बार हवाई हमले भी कर रहा है। ज़ेपोरिज़्या में भी यूक्रेन ने हमला तेज कर दिया है। यहां रूस ने यूक्रेनी फौज के कई हथियार गोदाम को उड़ा दिया ताकि यूक्रेन की सेना कमजोर हो जाए। खेरसोन पर कब्जे की भी जंग जारी है। खेरसोन पर रूस ने कई मिसाइलें दागी हैं। MLRS से जबरदस्त गोलाबारी की गई है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के 570 सैनिकों की मौत हो गई। ज़ेपोरिज़्या में यूक्रेन की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन रूस यहां सैनिकों पर डायरेक्ट हमला करने की जगह उन इमारतों को टारगेट कर रहा है जहां हथियारों का भंडार है।
ज़ेपोरिज़्या में लेपर्ड टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को ठिकाने लगाने के बाद अब रूस का फोकस हथियारों के उन गोदामों पर है जहां गोला बारूद का भंडार है। रूस की फौज अच्छी तरह जानती है कि यूक्रेनी सैनिक जितना भी जोर लगा ले बिना हथियार के कुछ नहीं कर सकेंगे। सोमवार को रूस की नेवी भी एक्शन में दिखी। ब्लैक सी में मौजूद मिसाइल कैरियर्स को एक्टिव कर दिया गया है और फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि रूस एक खास जगह पर सटीक निशाना लगाना चाहता था। रूस के टारगेट पर यूक्रेन का एक बेहद सीक्रेट ठिकाना था। यूक्रेन के इस ठिकाने पर हवाई हमले के लिए मिसाइलों का भंडार था। ब्लैक सी से मिसाइल कैरियर्स के जरिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से जैसे ही हमला हुआ, यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर धमाके होने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार के गोदाम में स्टॉर्म शैडो मिसाइल थी। गोदाम में स्कैल्प मिसाइलों का भी बड़ा भंडार था। हवाई हमले में इस्तेमाल होने वाले बम और रॉकेट रखे गए थे। रूस के ड्रोन के कैमरे की क्वालिटी देखिए। यूक्रेन के दो सैनिक ड्रोन की नजर से बचने के लिए घास में रेंग रहे हैं, लेकिन रूस के ड्रोन का कैमरा इतना हाई क्वालिटी का है कि सब कुछ साफ साफ नजर आता है। रूस के ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप किया गया जिसमें यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया। ये वीडियो साउथ डोनेस का है। बुलगेदर इलाके में रूस के सैनिक टैंकों के साथ तैनात हैं। ड्रोन से टैंक यूनिट की तस्वीरें और लोकेशन मिल रही है और टैंक से सटीक निशाना लगाया जा रहा है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। कुप्यांस्क में यूक्रेन के दो हमलों को नाकाम किया गया। कुप्यांस्क में रशियन फोर्स के प्रहार में यूक्रेन के 30 जवानों की मौत हो गई। क्रास्नी लीमन में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। डोनेस्क में यूक्रेन के दो हमलों को नाकाम किया गया। यहां युद्ध में सोमवार को यूक्रेन के 185 जवानों की मौत हो गई। दक्षिणी डोनेस्क में यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़्या में रूस के हमले में यूक्रेन के 160 जवानों ने जान गंवा दी। खेरसोन में 35 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। जबरदस्त जंग के बीच ज़ेपोरिज़्या में रूस के हमलों में दो अमेरिकी आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट हो गए। एक ब्रिटिश हॉबिट्सर को भी तबाह किया गया, जबकि यूक्रेन के जेटैम स्मार्ट बम के 3 हमलों को नाकाम कर दिया गया। खेरसोन में यूक्रेन की आर्मी ने पलटवार किया है। यूक्रेन की फौज के हमले में रूस का एक रशियन रडार स्टेशन नष्ट हो गया। उधर रूस की फौज ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए चेतावनी वाला एक वीडियो जारी किया है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने खुद माना है कि दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने 3 लेवल का डिफेंस लाइन तैयार कर लिया है जिससे भेद पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।